छोटे से ईयर का तूफानी शतक भी काम नहीं आया कोलकाता नाइट राइडर्स के, और सूर्य कुमार यादव ईशान किशन की पारी से जीत गया मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए शानदार मुकाबले में, बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। और मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराते ही इस साल लगातार 2 जीत हासिल कर लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए दोस्तों, फुल हाईलाइट वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में रोहित शर्मा की जगह सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा पैट की समस्या से मुंबई इंडियंस प्लेइंग में डेविन जेम्सन और अर्जुन तेंदुलकर का भी नाम, और इस मैच में वह मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू कर रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर इस मैच में अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं। वह 2021 से इस टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इस मैच में पहली बार मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे। अर्जुन तेज गेंदबाज होने के साथ ही उपयोगी बल्लेबाज भी है। मुंबई इंडियंस को पहली सफलता कैमरून गिरी ने दिलाई। उन्होंने दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर एन जगदीशन को आउट कर दिया। जगदीशन ने 5 गेंदों का सामना किया, वह खाता नहीं खोल पाए। कोलकाता ने 2 ओवर में 1 विकेट पर 12 रन बना लिए। 11 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद वेंकटेश अय्यर और अमरुल्ला गुरबाज ने कोलकाता की पारी संभाली। वेंकटेश अच्छी गति से रन बना रहे, वहीं गुरबाज एक छोर संभालकर खेल रहे थे। 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट पर 39 रन था। 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता का स्कोर 50 रन के पार जा चुका। वेंकटेश अय्यर लेफ्ट शॉट खेलने के प्रयास में चोटिल हो गए। गेंद उसके घुटने में लगी और रन भागने की उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही, लेकिन वह आसानी से बड़े शॉट खेल रहे। उनकी तूफानी पारी के चलते कोलकाता ने पावर प्ले के अंदर 50 रन का आंकड़ा पार किया। 57 के स्कोर पर कोलकाता का दूसरा विकेट गिरा। रमनुल्ला गुरबाज 12 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो चुके। पीयूष चावला ने उन्हें ड्वेन जॉनसन के हाथों कैच कराया। पावर प्ले के बाद कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 57 रन। 73 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा विकेट गिरा है। कप्तान नीतीश राणा 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो चुके। ऋतिक शौकीन ने उन्हें रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराया। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन वह एक छोर पर अकेले पड़ गए। दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे, उनका साथ नहीं निभा पा रहे। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए आए। वेंकटेश अय्यर ने 23 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 5 छक्के और 5 चौके लगा। उनकी शानदार पारी के चलते कोलकाता की टीम ने 9 ओवर में 3 विकेट खोकर 84 विकेट नुकसान पर कोलकाता का स्कोर 100 रन के पार जा चुका है। वेंकटेश अय्यर तूफानी अंदाज में रन बना रहे, वहीं शार्दुल ठाकुर दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 117 रन। 123 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का चौथा विकेट गिरा। शार्दुल ठाकुर 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो चुके। ऋतिक शौकीन ने तिलक वर्मा के हाथों कैच किया। अब वेंकटेश अय्यर के साथ रिंकू सिंह की रीच पर है। वेंकटेश अय्यर ने 49 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 5 चौके लगाए। यह आईपीएल में उनका पहला शतक है। इस सीजन में वह शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं कोलकाता के लिए ब्रेंडन मैकलम के बाद पहली बार किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया। वेंकटेश के शतक के साथ ही कोलकाता का स्कोर 4 विकेट पर 150 रन है। 159 रन के स्कोर पर कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी। वेंकटेश अय्यर 51 गेंद में 104 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के 6 चौके लगाए। रायली मैथ्रिड ने उन्हें डेविन जॉनसन के हाथों कैच कराया। अब रिंकू सिंह के साथ आंद्रे रसल की रीच पर 18 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 5 विकेट पर 172 रन के स्कोर पर कोलकाता की टीम का 6 विकेट गिरा। रिंकू सिंह 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो चुके। आज रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला। इस मैच में वह ले में नहीं दिख रहे थे, धीमी पारी खेलकर आउट हुए। ड्वेन जॉनसन ने उन्हें नहल वधेरा के हाथों कैच कराया। अब आंद्रे रसल के साथ सुनील नारायण की रीच पर है। 19वें ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 6 विकेट पर 175 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने 186 रन का लक्ष्य रखा। कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा 104 रन वेंकटेश अय्यर ने बनाया। वहीं अंत में आंद्रे रसल ने 11 गेंद में 21 रन की पारी खेली। ये इस आईपीएल में आंद्रे रसल का पहला इनिंग था जो छोटा मोटा ही था, लेकिन था। मुंबई इंडियंस के लिए ऋतिक शौकीन ने 2 विकेट लिए। वहीं अर्जुन छोड़ बाकी सभी गेंदबाज ने एक एक विकेट मिले। 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी शुरू हुई। रोहित शर्मा और ईशान किशन सलामी जोड़ी क्रीज पर रहे। रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में प्लेइंग 11 में का हिस्सा बने। उनके पेट में समस्या थी, इस वजह से पहली पारी में मैदान पर नहीं आए थे। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे। 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम अच्छी शुरुआत की। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान 18 रन। उमेश यादव ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए थे, लेकिन शार्दुल के अगले ही ओवर में 16 रन ठोक डाले। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए तूफानी शुरुआत दी। पावर प्ले के अंदर मुंबई का स्कोर बिना किसी नुकसान 50 रन के पार जा चुका है। दोनों बल्लेबाज 23 रन बना रहे और मुंबई इंडियंस 65 रन के स्कोर पर मुंबई का पहला विकेट गिरा है। रोहित शर्मा 13 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सुरेश शर्मा उन्हें उमेश यादव के हाथों कैच करा। रोहित ने अपनी पारी में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। पावर प्ले मुंबई इंडियंस ने 1 विकेट पर 72 रन बनाए। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर है। ईशान अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं। 7 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट पर 81 रन। ईशान किशन 22 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी शानदार पारी के चलते मुंबई का स्कोर 1 विकेट पर 80 रन के पार जा चुका है। सूर्य कुमार यादव दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे हैं।
87 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस की सलामी जोड़ी पवेलियन लौट चुकी। ईशान किशन 25 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 5 चौके लगाए। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। अब सूर्य कुमार यादव के साथ तिलक वर्मा क्रीज पर है। 8 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 90 रन है। आपको बता दें दोस्तों कि ईशान किशन का ये इस आईपीएल 2023 में पहला पारी इनिंग था जो कि अर्धशतक की पारी था, और इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव भी इस मैच में बढ़िया परफॉर्म किया है। 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के पार जा चुका है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर है। दोनों सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करें। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 110 रन है। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है। ये दोनों अपनी टीम के लक्ष्य करीब ले जा रहे हैं। 13 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 147 रन है। 147 रन के स्कोर पर मुंबई का तीसरा विकेट गिरा है। तिलक वर्मा 25 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सुयश शर्मा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। तिलक ने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। अब कप्तान सूर्य कुमार के साथ टीम डेविड क्रीज पर है। 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 150 रन के पार जा चुका। सूर्य कुमार यादव टीम डेविड क्रीज पर है। दोनों तेज गति से रन बना रहे हैं और मुंबई की टीम जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 163 रन, 176 रन के स्कोर पर मुंबई की टीम का चौथा विकेट गिरा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव 25 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हो चुके। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। शार्दुल ठाकुर ने उन्हें विकेट कीपर रमनुल्ला गुरबाज के हाथों कैच कराया। अब टीम डेविड के साथ नेहाल वदेरा क्रीज पर। मुंबई की 184 के स्कोर पर मुंबई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। नेहाल वदेरा ने 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो चुके। लोकी फर्ग्यूसन ने उन्हें रमनुल्ला गुरबाज के हाथों कैच कराया। अब टीम डेविड के साथ कैमरून क्रीज पर है। मुंबई टीम की जीत के लिए अब 2 रन चाहिए थे। अब 2 रन मुंबई इंडियंस को चाहिए थे। लास्ट बॉल में कैमरून ग्रीन ने 1 रन लेकर मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मैच जिता दिया। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में यह मुंबई की लगातार दूसरी जीत है, वहीं कोलकाता की तीसरी हार है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 185 रन बनाए थे। मुंबई ने 17 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, और इसी के साथ मुंबई इंडियंस 2015 वाला कारनामा दोहरा रहा है, जो और लग रहा है कि मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ में अपना जगह बनाने में कामयाब रहेगा। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके बताइए, और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।